नमस्कार किसान भाइयों, मैं आज एक फार्मर का पास विजिट किया है जिन्होंने कश्मीरी एप्पल बेर के ऊपर काम किया है। तो इनका फार्म में अभी हम विजिट किया है देखने के लिए इनका कितना अच्छा रिजल्ट है और कैसा फ्रूटिंग आ रहा है सभी का बारे में। तो इन्होंने कश्मीरी एप्पल बेर का प्लांट लिया था। आज का टाइम में हम आपको पूरे की पूरी फार्म को दिखाएंगे कितना अच्छा मेंटेन करके रखा है इन्होंने और कैसा फ्रूटिंग हर पेड़ में है। हालांकि अगस्त में लगाने का बाद में आज फरवरी का 17 तारीख है, आज का डेट तक प्लांट का उम्र होता है लगभग 6 या 7 महीना। तो उस हिसाब से हम दिखाएंगे जिसमें कितना अच्छा फ्रूटिंग है। आप देख सकते हैं हम सिर्फ एक पेड़ में नहीं दिखाएंगे, इन्होंने ड्रिप इरीगेशन भी लगा के रखा है और जिन लोगों ने इस भी जगह से है उन लोगों को मालूम है इधर पानी का कितना दिक्कत है, कितना प्रॉब्लम है इधर। उस हिसाब से भी देखता तो आप देखिए हर पेड़ में हम दिखाएंगे जो इनका पेड़ में कितना अच्छा फ्रूटिंग आया है, इतना छोटा छोटा पेड़ में कितना बढ़िया फ्रूटिंग आया है आप देख सकते हैं। इन्होंने जो प्लांटेशन किया है लगभग बहुत अच्छा खासा मेंटेन करके रखा है हर पेड़ को, बम्बू का लकड़ी देके बांध के छोटा छोटा पेड़ के हिसाब से भी आप देख सकते हैं पूरी के पूरी पेड़ सभी पेड़ में कितना बढ़िया फ्रूटिंग आया हुआ है। आप देखिए एक एक करके सभी हम आपको दिखाएंगे और छोटा पेड़ है इसीलिए ज़्यादा फ्रूट ज़्यादा लगा है, इसीलिए इनका फ्रूट प्लांट का ग्रोथ उतना बढ़िया नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा फल लगने का वजह से। फिर भी एक एक पेड़ में आज के टाइम में 8 से 10 किलो करके इसमें फल है। तो हम इस हिसाब से देखते तो 8 किलो के ऊपर ही फल होगा क्योंकि ये जो फल का देखिए पूरी हम लोग जो वैरायटी प्रोवाइड करते हैं इसका स्पेशलिटी यही होता है पूरा टहनिया अंगूर का तरह सजा हुआ रहता है, यह हम लोगों का जो वैरायटी है इसका स्पेशलिटी। आप देख सकते हैं पूरी की पूरी प्लांट। अब देखिए हम एक एक करके इनका जो बाग है पूरी चारों तरफ जो एरिया है पूरा बेल्ट जो सरसों का खेती होता है और इस खेती में आप देखिए पूरी की पूरी जगह कितना बढ़िया जगह है और कितना क्लीन और अच्छा फार्म को बना के रखा है इन्होंने और गुड़ाई भी करके खाद भी दिया था मेरे ख्याल से। तो देख सकते हैं कलर खूबसूरत कितना है कश्मीरी एप्पल बेर वो भी आप देखता तो पता चल जाएगा। और सभी पेड़ में हम एक पेड़ नहीं सभी पेड़ में हम दिखाएंगे, देखिए पूरा की पूरा पेड़ सोया हुआ है पर इसमें फल भरा हुआ है। ये जो एरिया है पूरा सरसों का खेती होता है, मार्केटिंग का बारे में पूछा है तो पर एकड़ में 60,000 रुपये आसानी से मिल जाता है पर मेरे हिसाब से अभी ये जो फार्मिंग इन्होंने किया है इनका इंटरव्यू भी हम लिया है, इसका भी वीडियो चैनल पे है आप जाके देख सकते हैं। अंदर देखिए फलों की मात्रा, ओके हर पेड़ इतना छोटा सा पेड़ है, इस पेड़ में भी फल देखिए पूरा भरा हुआ है। ये जो पेड़ है इस पेड़ में भी देखिए हर पेड़ को हम दिखाएंगे आपको एक एक करके, ओके भरा हुआ है कितना। ऐसे ही रिजल्ट है एप्पल बेर नर्सरी से प्लांट ही नहीं देता है, साथ ही साथ जो टेक्निकल सपोर्ट होता है जो पैसे से आप माप नहीं सकते क्योंकि एप्पल बेर को जितना अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे उसमें उतना ही अच्छा फ्रूटिंग आएगा। जैसे कि इतना छोटा छोटा पेड़ है आप देख सकते हैं फलों से भरा हुआ है और सभी का ब्रांचेस फट गया है, इतना ज़्यादा फल इसमें लगा है। सो आप भी काम कीजिए आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा और जो फार्मिंग है आप करता तो बहुत ही आसानी से 2.5-3 लाख-4 लाख रुपए कमाना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान होता है। और ये फार्मिंग उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से फार्मिंग आप कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हम लोग फार्मर को सपोर्ट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि हम फार्मर को अच्छा से सपोर्ट कर पाए। इसमें फलों का मात्रा देखिए ऐसा ही फ्रूटिंग इसमें आता है और ये वीडियो देखिए ये जो टहनिया है टूट के इसमें जो फल था ख़राब हो गया, इतना ज़्यादा फल इसमें आया है। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय किसान।